दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। आज 30 सितंबर है, 30 सितंबर 2020 भारत के समकालीन इतिहास की एक महत्वपूर्ण तारीख बन गई। ठीक वैसे ही जैसे हमने देखा 25 सितंबर 1990 एक महत्वपूर्ण तारीख थी, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपनी राम रथ यात्रा निकाली थी सोमनाथ से। और उस राम रथ यात्रा का क्या हुआ, उससे भारतीय राजनीति कितनी प्रभावित हुई, हम सब जानते हैं। उसके बाद एक दूसरा भी मौका आया 6 दिसंबर 1992, जब बाबरी मस्जिद अयोध्या में जो खड़ी थी, न जाने कितने दशकों कितनी सदियों से वह ढहा दी गई। और फिर हमने देखा कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें जो जमीन का जो मामला था, जो सिविल जो मुकदमा था, उसमें उन्होंने ये जो मंदिर के पैरोकार थे उनको वो पूरी जमीन दे दी। और एक तरह से मस्जिद को कहा गया कि वो दूसरी जगह मस्जिद बनाई जाएगी और उसके लिए भी सरकार को हिदायतें दी। और एक तीसरा भी महत्वपूर्ण फैसला आया 5 अगस्त 2020 को, जब माननीय प्रधानमंत्री जो देश के हैं और आरएसएस के चीफ, इन सभी लोगों की मौजूदगी में अयोध्या में राम मंदिर का एक भव्य, हालांकि बहुत संक्षिप्त समारोह था क्योंकि लोगों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन राम मंदिर का एक तरह से भूमि पूजन या शिलान्यास, आप जो भी कह लीजिए, वो किया गया। आज जो 30 सितंबर की हम बात कर रहे हैं 2020 की, तो आज एक महत्वपूर्ण फैसला सीबीआई की विशेष अदालत ने किया, जिसमें जज एस के यादव ने जो ऐलान किया, जो जजमेंट अपना दिया, उसके मुताबिक जो बाबरी मस्जिद वहां पर खड़ी थी, उस बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने यानी उसको ध्वंस करने के पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था, किसी ने कोई साजिश नहीं रची थी, वो योजनाबद्ध बिल्कुल नहीं था, बल्कि जो आरोपी नेता हैं, जो मौजूद थे सभा मंच पर, वहां उस जगह से कुछ फासले पर, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की थी, यह भी कहा गया है जजमेंट में। मैं उसको अपने शब्दों में पेश कर रहा हूं, लेकिन जो जजमेंट आता है उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की थी, उन लोगों को जो ध्वंस करने की कोशिश कर रहे थे, और जिन्होंने उसको ध्वंस उसका कर दिया मस्जिद का। तो कौन लोग थे? जजमेंट के मुताबिक वो जो थे कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है और जो हमने ब्यौरा देखा है उसके मुताबिक। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ये हूबहू वैसी बात है जैसा हमने टाइम्स ऑफ इंडिया की एक बड़ी मशहूर हेडलाइन एक जमाने में थी, और वो ये थी कि नो वन किल्ड जेसिका, एक जेसिका लाल को लेकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, और उसमें जो जेसिका की जो हत्या थी उसमें कोर्ट के फैसले पर एक टिप्पणी जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी पड़ताल के बाद दी थी, नो वन किल्ड जेसिका। और उसके बाद काफी देश में, समाज में, सिविल सोसाइटी में काफी उसको लेकर विवाद हुआ, काफी उसको लेकर विमर्श हुआ, और फिर जो उस अदालती कार्रवाई का हुआ हम सब जानते हैं कि ऊपर की अदालतों ने क्या फैसला किया। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल हूबहू वैसी बात है, क्योंकि यहां ये कहा गया है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट का ये काम था, उन लोगों का काम नहीं था जो अब तक आरोपी रहे हैं, जिनका फैसला 28 वर्षों के बाद इस देश की स्पेशल कोर्ट जो सीबीआई की है उसने दिया था। अब सवाल इस बात का है कि सीबीआई ने जो साक्ष्य दिए वो किस प्रकार के साक्ष्य थे। यहां तो लिब्रान कमीशन इस देश में बना था और 2009 में उसने रिपोर्ट दी थी, और लिब्रान कमीशन के जो हेड थे, जो उसके उसको जो चेयर करने वाले जज थे, वो हाई कोर्ट के जज थे, और 17 साल की कोशिश के बाद, फाइंडिंग के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट के मुताबिक एक कंस्पिरेसी थी। यह योजनाबद्ध ढंग से बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया था, और उसमें वो तमाम नेता, आरएसएस, बीजेपी, बीएसपी, जितने बड़े बड़े नाम लिए जाते हैं, वो सबके बारे में उनका ये कहना था कि एक कॉन्स्पिरेसी में प्रमुख लोग शामिल थे। और दोस्तों आज के इस फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी चैन की सांस ले सकती है,
कि उसके मार्गदर्शक मंडल के दो सदस्य मुरली मनोहर जोशी साहब और लाल कृष्ण आडवाणी दोनों अब तक आरोपी मार्गदर्शक कहे जाते थे, अब वो बेदाग हो गए, अब वो आरोप से बरी हो गए, जजमेंट आ गया स्पेशल कोर्ट का, सीबीआई कोर्ट का। लेकिन इसके संकेत क्या हैं? क्या हम जजमेंट से थोड़ा अलग हट करके राजनीति पर बात करें, भारत की राजनीति में क्या होने जा रहा है? भारत की राजनीति में जो होने जा रहा है और संघ परिवार की जो योजना है उसका एक छोटा सा संकेत आज मिला। ऐसा नहीं है कि अयोध्या के इन दोनों फैसलों के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था और जो आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने किया है, इन दोनों के बाद ये सब कुछ, ये चैप्टर क्लोज हो गया। आज आचार्य धर्मेंद्र जो इस मामले में एक आरोपी रहे हैं और जिनको कोर्ट ने आज बरी किया है सबके साथ, क्योंकि इसमें 49 लोग टोटल आरोपी थे, इसमें 17 लोग मौत जिनकी हो चुकी थी पहले ही, 32 लोग टोटल आरोपी आज आज जिन पर डिसीजन हुआ है जिनके बरी होने का, इसमें 26 लोग कोर्ट में थे और 6 लोग आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जैसे लोग जो हैं उन्होंने कोरोना दौर के कारण और बुजुर्ग होने के कारण इजाजत ले ली थी कि वो अनुपस्थित रहेंगे। तो ये आचार्य धर्मेंद्र जी उन 32 लोगों में से थे और उन्होंने बाहर आकर कहा, पत्रकारों से जब पूछा गया कि भविष्य की क्या योजना है, तो उन्होंने ये कहा कि जहां जहां दाग हैं वहां वहां साफ करेंगे। इसको और एलोबरेट करते हुए और इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तब आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि हमारे देश की राजनीति में अयोध्या का ये जो अयोध्या कांड जो कह सकते हैं, इसका जो अध्याय जो एक बंद हुआ है, वो शायद शायद बिल्कुल हमेशा के लिए ये एक चैप्टर क्लोज ना समझिए। दुर्भाग्य जो है हमारे देश के लोकतंत्र पर, शायद शायद उसका बाउंडर, शायद उसकी जो बौछारें हैं वो शायद आगे और जारी रहेंगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा इस मुल्क के लिए, इसकी आवाम के लिए। अब इसकी वजह क्या है दोस्तों? इसकी वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जो नियंत्रित करने वाली शक्तियां हैं, या ये टोटल जो संघ परिवार की राजनीति है, उसको मालूम है कि अयोध्या ने कैसे उसको सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया। और 1984 में जो पार्टी सिर्फ और सिर्फ 2 सदस्यों की पार्टी थी लोकसभा में, वो 83-84 में सबसे पहले आरएसएस ने मंदिर के एजेंडे को लेने का फैसला किया था, और 89 में पालमपुर की जो पार्टी की बैठक थी बीजेपी की, उसमें कार्यकारिणी की बैठक में इसको डिक्लेयर किया गया था। लेकिन उसके पहले अभियान चालू हो चुका था। और आपको मैं बताऊं कि जब 1989 का इलेक्शन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट से 85 सीट मिली थी, और 91 में 120 सीट मिली थी। और डिमोलिशन के बाद, बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद जब चुनाव हुआ, 1996 की बात है यानी 3.5 साल के बाद, तो उस वक्त 161 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हुई। 2 सदस्यों की लोकसभा में पार्टी 161 सदस्यों की पार्टी बन गई, और पहली दफा भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने का फैसला वाजपेयी जी की अगुवाई में उसी समय मिला। तो भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि वो सामाजिक आर्थिक सवालों पर राजनीति करके इस देश में बड़ी पार्टी नहीं हुई है, वो हुई है तो इन्हीं इश्यूज को लेकर, जो 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 कम्युनल इश्यूज हैं, जो मंदिर मस्जिद के सवालों को उठाते हैं, या जो अलग अलग मजहब के लोगों के बीच में वैमनस्य पैदा करते हैं। आप कोर्ट कचहरी के फैसले जो भी हों, लेकिन जो सियासत की असल सच्चाई है दोस्तों, उसमें ये बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अच्छी तरह मालूम है। ऐसे में दोस्तों आज का जो फैसला हुआ है, अदालती फैसले की व्याख्या न्यायविद करेंगे, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते मैं मानता हूं कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के समाज के लिए, भारत के भविष्य के लिए। और इतनी गवाहियां, इतने साक्ष्य वहां पर पत्रकारों और फोटोग्राफर्स के भी मौजूद थे, जिनमें कॉन्स्पिरेसी एंगल की बातें भी थी। अब सबूत टेक्निकल कारणों से कौन नहीं माना जाएगा, कौन माना जाएगा, ये तो अदालतें तय करती हैं। लेकिन ये बात सच है कि सीबीआई ने, जाहिर है, कोई प्रयास किया होता तो उन साक्ष्यों को जिस तरह की जरूरत के हिसाब से पेश किए जाने चाहिए थे, या जिस ठोस ढंग से सामने लाए जाने चाहिए थे, वो ला सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और नतीजतन
ये फैसला सामने आया। तो बस आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का समापन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.